हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यू सिंप्लीफाइड। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे अमूल फाल्कन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं आखिर अमूल फाल्कन न्यूज़ में क्यों है। देखिए, रिसेंटली मणिपुर के दो डिस्ट्रिक्ट, एक है तेमलोंग और दूसरा है सेनापति के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने वहाँ पर अमूल फाल्कन के हंटिंग, किलिंग और सेल पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये समझना हो जाता है कि अमूल फाल्कन है क्या। तो इस वीडियो में अमूल फाल्कन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, समझेंगे आखिर ये है क्या, कहाँ से आती हैं और जो कंजर्वेशन से रिलेटेड क्या क्या इसके स्टेटस हैं, उन सारी बातों को इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा हम अमूल फाल्कन के विषय में बातें करते हैं। देखिए, अगर अमूल फाल्कन की बात करें तो अमूल फाल्कन एक माइग्रेटरी बर्ड्स है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझ लेना है, जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया में पाई नहीं जाती। इंडिया में समटाइम्स कुछ टाइम के लिए आती हैं और स्टे करती हैं, उसके बाद फिर से ये माइग्रेट कर जाती हैं। तो ये एक बर्ड है जो पूरी तरह से माइग्रेशन करते रहती है इधर से उधर। और अगर इसके साइंटिफिक नेम की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम होता है फाल्को अमरिनसेसिस। ये पॉइंट भी हम याद रखेंगे, कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। और अगर बात करें तो देखिए, ये फाल्कोनिडे फैमिली से बिलोंग करती है। एक स्मॉल रैप्टर होता है, आप समझ सकते हैं कि एक शिकारी पक्षी है ये पूरी तरह से। और मेनली इनका जो ट्रांजिशन होता रहता है, एक जगह कहीं पे भी पूरी तरह से स्टे नहीं करते हैं। अगर इसके ट्रांजिशन की बात करें, माइग्रेशन जो रूट है उसकी बात करें, तो देखिए बेसिकली ये पाए जाते हैं यहाँ पर साइबेरिया और नॉर्थ चाइना के कुछ पार्ट में, और यहाँ पर ये ब्रीडिंग वगैरह करते हैं और उसके बाद माइग्रेशन स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से माइग्रेशन करते साथ इनका रूट जो होता है, यहाँ से फिर ये इंडिया के आते हैं। इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, खास करके मणिपुर और नागालैंड में, ये 3 to 4 वीक स्टे करते हैं यहाँ पर। मिलने अगर हम बात करें, फोकस अगर बात करें कहाँ स्टे करते हैं, तो ये स्टे करते हैं नागालैंड का एक विलेज है जिसका नाम है पंक्ति विलेज। ये पॉइंट हम याद रखेंगे क्योंकि पंक्ति विलेज बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहता है, और पंक्ति विलेज में ही लॉन्ग टाइम तक स्टे करने के कारण नागालैंड को फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, पंक्ति विलेज के पास ही एक दोयांग रिजर्व वायर है। मेनली ये दोयांग रिजर्व वायर में ही 3 to 4 वीक तक स्टे करते हैं, और उसके बाद जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, इंडिया में कब आती हैं जब इसको भी समझ लें, तो मेनली इंडिया में आते हैं अक्टूबर और नवंबर के टाइम में। और जैसे ही जब बहुत ज़्यादा कोल्ड स्टार्ट हो जाता है, सर्दी स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद ये माइग्रेट करना स्टार्ट करते हैं, और यहाँ से माइग्रेट करके सीधे ये साउथ अफ्रीका वाले इस क्षेत्र में चले जाते हैं। मीन्स पूरी तरह से अगर हम बात करें अमूल फाल्कन से रिलेटेड, तो ये कहा जाता है कि वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट रूट को ट्रेवल करती हैं एज ए माइग्रेटरी बर्ड के तौर पर। तो ये तो बात हो गई अमूल फाल्कन से रिलेटेड। अब जरा इसके कंजर्वेशन स्टेटस क्या है उसको जरा एक करके समझते हैं। देखिए, अगर कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो इंडियन कंटेक्स्ट में देखिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 4 के तहत इसे पूरी तरह से कंजर्व किया गया है। इसके हंटिंग और सेल वगैरह पे पूरी तरह से बैन लगाया गया है। अगर हम बात करें इंटरनेशनल लेवल पे, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम IUCN के नाम से जानते हैं, उसके रेड लिस्ट में इसे लिस्ट कंसर्न के तौर पर रजिस्टर किया गया है। मीन्स आप समझिए, पूरी तरह से इसे कंजर्व करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आप समझ सकते हैं एक इंपॉर्टेंट बर्ड स्पीसीज है जो लॉन्गेस्ट रूट को ट्रेवल कर रही है, तो ये इंपॉर्टेंट बात हो जाता है। देखिए, इंडियन कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो इसके जो इस बर्ड के सेल वगैरह पे करना या जो उसके मीट वगैरह उसे प्रोसेस करने पर 3 ईयर तक का इम्प्रिजमेंट हो सकता है, और साथ ही साथ 5,000 का पर फाइन भी हो सकता है। मीन्स ऐसा नहीं है कि जो मणिपुर ने DM ने किया है, मणिपुर के दो डिस्ट्रिक्ट DM ने किया है, ऐसा पहले से ऑलरेडी नागालैंड में बैन था, पूरी तरह से बैन किया गया था। अगर आप उसे हंटिंग वगैरह करते हैं तो आपको इम्प्रिजमेंट का भी सामना करना पड़ सकता है, फाइन का भी सामना करना पड़ सकता है। तो ओवरऑल तरीके से समझिए, इंडियन कंटेक्स्ट में खास करके इंडिया को इसलिए भी इंपॉर्टेंट दिया जा रहा है क्योंकि जो फाल्कन कैपिटल ऑफ वर्ल्ड की बात की गई, हमने नागालैंड को फाल्कन कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहा जा रहा है, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट कोशिश करती है कि जो अमूल फाल्कन है उसे पूरी तरह से कंजर्व किया जा सके और उसे बचाए रखा जा सके। तो होप आपको अमूल फाल्कन से रिलेटेड सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।